नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसी बीच बता दें आपको एक बड़ी खबर। बलिया में अनोखी सरकारी शादी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा। एडीओ समाज कल्याण अधिकारी समेत 9 पर FIR दर्ज, कई और अधिकारियों पर कार्यवाही तय। बड़ी खबर बलिया से। साहब, शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, मगर जरा इस अनोखी शादी को देखिए। ये बलिया के बांसडी विधानसभा के मनियर नगर पंचायत में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के तहत सरकारी शादी की तस्वीरें हैं, जहां ना दूल्हा दुल्हन को जानता है, ना ही दुल्हन दूल्हे को पहचानती है। सैकड़ों दुल्हनों को जरा देखिए, बिना दूल्हे के ही अपने ही हाथों से दुल्हनों ने अपने गले में वरमाला डाल रखी है। ना सिंदूरदान हुआ, ना फेरे लिए गए, यही नहीं बुरखे में आई दुल्हनों ने भी अपने ही हाथों से अपने गले में वरमाला डाल रखी है। जब दूल्हों की नजर कैमरे पर पड़ी तो शादी वाले गमछे से अपना चेहरा छुपाने लगे और किसी ने मास्क लगा लिया। किराए पर गए नाबालिग दूल्हे ने कहा कि वह तो शादी देखने गया था, वहां कुछ महिलाओं ने जबरन पैसे का लालच दिया और उसको बैठा दिया, उसे ना पैसा मिला और ना ही दुल्हन मिली। सरकारी शादी का गवाह बनने पहुंचे स्थानीय विधायिका केतकी सिंह ने इन 568 जोड़ों की शादी में मांगलिक गीत भी गाए और जोड़ों पर पुष्प वर्षा भी की, मगर जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो होश उड़ गए। विधायिका ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, ये गरीबों के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस पूरी शादी समारोह में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। फिलहाल पूरे मामले में CDO ने कहा कि 20 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को फिलहाल रोक दिया गया है। अभी तक 20 पात्रों की जांच में 8 लोग फर्जी पाए गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिकवरी कराई जाएगी। जहां 568 जोड़ों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें बताने की बिना दूल्हे के ही सैकड़ों लड़कियों ने कर ली शादी, सैकड़ों दुल्हनों ने अपने ही हाथों से अपने ही गले में डाल ली वरमाला। ये अनोखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं और खूब वायरल हो रही हैं। किराए पर आए नाबालिग दूल्हे ने कहा कि वह तो शादी देखने गया था, वहां के लोगों ने जबरन उसे पैसे का लालच दिया और शादी के लिए बैठा दिया। तो वहीं स्थानीय BJP विधायिका ने कहा कि मामला संज्ञान में है, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में बलिया DM रविंद्र कुमार स्वयं निगरानी कर रहे हैं। बताया कि उन्होंने इस फर्जीवाड़े में अभी तक की जांच में मनियर थाने में 8 फर्जी लाभार्थियों दुल्हनों को व ADO समाज कल्याण अधिकारी समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा चुकी है। इस पूरे मामले में अभी तक और अधिकारियों पर कार्यवाही तय मानी जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले में जिला प्रशासन ने 20 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। अब तक जांच में 20 पात्रों में 8 का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को रोक दिया गया है, रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। बड़ी संख्या में और फर्जी पाए जाने की उम्मीद है। खास रिपोर्ट देखिए अमित कुमार के साथ। पैसा पर भी लोग आए हुए हैं, पैसा मतलब मिल भी रहा है। चलिए ठीक है, पर आज पैसा पूरा नहीं मिलेगा। अभी पैसा पूरा नहीं मिल रहा, अभी पूरा पैसा मिला कि ना। अभी मैं रोशन सिंह चंदा, अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय विकलांग वृद्धा विधवा सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के अंतर्गत बलिया जनपद में मनियर ब्लॉक के अंतर्गत मनियर इंटर कॉलेज में 25 जनवरी को जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण भी मौजूद थे, उसमें लगभग 90% से अधिक फर्जीवाड़ा कार्य हुआ है। उस फर्जीवाड़ा का जब उजागर हुआ तो स्थानीय प्रशासन द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उस सदस्य कमेटी में
जो विभाग चोर है समाज कल्याण विभाग, उसी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को नामित कर दिया गया, जो कि यह बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। मैं चूंकि वर्तमान में प्रदेश से बाहर हूं, मैं आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इस प्रकरण की विधिवत चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग करूंगा। अभी मैं वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूं और तत्काल जो भी अधिकारी इसके दोषी हों उसको जो है दंडित किया जाए। क्या हुआ था 27 तारीख को, कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को। 25 तारीख को, 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया। किस लिए बैठा दिया? जबरदस्ती ऐसे ही बैठा दिया था। क्या कहे? बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए तो आप बैठ गए वहाँ। हाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी भी लगा कर बैठे, माला भी पहने हैं। फोटो खींचे थे माला दूसरा थे, टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। दुल्हन दुल्हन कहाँ की थी, मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है? पैसा मिला आपको जो? नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उसे चला गया मैं उठ के। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या क्या कर रहे थे बहुत लोग? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था, हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गांव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गाँव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? ये क्या? नहीं नहीं, अपने अपने डाले थे। सब अपने अपने डाले लोग? हाँ। आप मारा डाले थे? नहीं, हम अपने ही से डाले थे। अपने से डाले थे? और वो जो महिला जो थी सामने, वो अपने ही से डाले? अपने से डाली। तो वहाँ पे जितनी माला डाली अपना, तो क्या वहाँ पे जितनी शादियाँ हुई सब लोग अपने अपने माला डाले थे? सिंदूरदान हुआ? नहीं हुआ सिंदूरदान भी नहीं हुआ। सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था जिसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी, उसमें कुछ वीडियो वहाँ से वायरल हो रहा है, कुछ वहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग का भी आरोप है कि उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या आपके ये मामला संज्ञान में आया है और इसमें DM साहब के द्वारा इस पर जांच भी बैठाई गई है, क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जो सामूहिक विवाह है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चियों को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जैसे बड़े घर की बच्चियों की शादी धूमधाम से होती है, उसी तरह एक गरीब के घर की भी शादी हो। तो इतनी अच्छी योजना का अगर मुझे तो आप जैसे आपको कहा जाता है भाई मीडिया को कि समाज के कोतवाल हैं आप लोग, तो आपके मीडिया के माफिक मुझे पता चला कि इस तरह की कहीं कोई घटनाएं वहां पे ऐसे जोड़े देखे गए हैं जो गलत तरीके से वहां बैठे थे। मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी से CDO से सबसे बात की है और साफ निर्देश भी दिया है कि जो भी इसमें लिप्त होंगे उन सबके नाम मुझे चाहिए हैं, बकायदा इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित होगा। क्योंकि यह योजना गरीबों की योजना है और उनके अधिकार पे मैं किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना मैं ना मेरे माननीय मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा ही इस तरह की, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ये बिल्कुल अधिकारी ही इस चीज को मैनेज किए। मुझे खुद इस सामूहिक विवाह की सूचना 2 दिन पहले मिली, जिसके लिए मैं बहुत नाराज भी हुई थी कि आप लोग 2 दिन पहले बता रहे हैं मुझे और ना आपने कहीं प्रचार प्रसार किया है ना कहीं होर्डिंग लगाई है। आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा सामूहिक विवाह होता है और लोगों को कराना है तो अगली बार कराए, इसलिए आप लोगों को लगाना चाहिए थोड़ा होर्डिंग वगैरह। मुझे खुद 2 दिन पहले लोगों ने सूचना दी तो मुझे एहसास हुआ था कि इतने आनंद फानन में ये क्यों कर रहे हैं, परंतु अब जब आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो इसकी मैं जांच पूरे नीचे स्तर तक करा रही हूं। सत्यापन हुआ होगा, जो वेरिफिकेशन हुए हैं तो सत्यापन में जो उनसे विलिप्त जो लोग
अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी इतनी इतना हौसला बुलंद कैसे है? देखिए ये तो आश्चर्य की बात है कि जैसे मुख्यमंत्री जी का पूरा बकायदा हुआ है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो भी करप्शन की, वो चीज सबसे जरूरी है कि मुख्यमंत्री जी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिसने ये किया है उसने अपने लिए स्वयं यमराज को बुलाया है, क्योंकि अच्छा भी है कि एक ये प्रदेश में नाजीर के तौर पे प्रस्तुत होगा कि थोड़ा सा अगर तुम करोगे तो क्या हश्र हो सकता है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेगा। यह सिर्फ अंत में एक सवाल की आज कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन खड़गे का एक बयान आया हुआ है कि ये जो 2024 का चुनाव ये लास्ट चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव होने वाला नहीं है, और जिस तरीके से चीन और रूस में जिस तरीके से चुनाव होते उसी तरह से अब यहाँ पर भी हो जाएगा, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। इस तरह का बयान मल्लिकार्जुन का आप किस तरह से देखते हैं और क्या? खड़गे जी उसी पार्टी के ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ना, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लागू की थी, उसी देश के तो ये, उसी पार्टी के तो ये अध्यक्ष बने, तो इनकी सोच, इनकी विचारधारा अभी उससे निकली ही नहीं है, गुलामी की मानसिकता। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और मेरे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। देखिये 26 जनवरी को ये मनिहर ब्लॉक में सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लगभग 468 जोड़ों ने अपना शादी उनकी वहाँ पे हुई थी। इसमें 4 ब्लॉक्स के जोड़े सम्मिलित थे। उसके बाद अगले दिन से एक न्यूज़ मीडिया में ये चीज़ चलना स्टार्ट हुई कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, और ये आरोपित किया गया कि इसमें कई विवाहित जोड़े थे या फिर कुछ और इशूज़ थे, तो उसके चक्कर में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल उस खबर का संज्ञान लेकर हमने 3 मेंबर की कमेटी एक नामित करी, और अगले ही दिन वो कमेटी घर घर जाके उसका सत्यापन करने लगी। उन्होंने कल रिपोर्ट भी एक सबमिट करी है, जितना उन्होंने सत्यापन किया है कल के दिन में। आज फिर हमने उसकी जाँच की गति बढ़ाने के लिए हमने जिला स्तरीय करीबन 20 अधिकारियों को प्रति 100% जितने भी आवेदक थे उनका स्थलीय सत्यापन करके घर घर जाके सत्यापन करने के लिए आदेशित किया है। आज शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर पहले वाली रिपोर्ट में क्या आया? सर अभी पहले वाली रिपोर्ट हम लोग के पास आई है, उसमें जितने भी हम लोग को जो पात्र थे और जितने अपात्र पाए गए हैं हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी सस्पेंशन करना है या कार्रवाई संचालित करनी है या FIRs भी दर्ज करानी है, चाहे वसूली की कार्रवाई हो उन पर्टिकुलर आवेदकों और जो सत्यापित अधिकारी हैं जिन्होंने सत्यापन करके दिया है, वो हम उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे आज। देखिए इसमें ऑनलाइन लोग अप्लाई करते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इस सत्यापन अधिकारी फील्ड लेवल ऑफिसर द्वारा किया जाता है, जिसे सत्यापन करके हम लोग के पोर्टल पर भेजता है, उसके बाद ही इनके यहाँ पे जिला स्तर पर अप्रूवल किए जाते हैं। तो जो भी 2-3 चीज़ें हैं हम जो जाँच करके, जो भी अगर अपात्र हमें कोई जोड़ा मिलता है तो उसके खिलाफ FIR भी कराएंगे, सत्यापन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और ऊपर भी अगर ऊपर उसकी मॉनिटरिंग भी खराब हुई है तो उस स्तरीय अधिकारी के खिलाफ भी अपना जो हमारा जो विधि के द्वारा जो सत्यापित चीज है उसको हम ऊपर फॉरवर्ड भी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी, और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं ADO समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ADO समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है।